वेंकटेश फर्मा का एंड टैक्स ऑप्शन फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई सैमसंग का J6 मॉडल हो और उसका टच जो होता है कॉम्बो वो डैमेज हो जाता है और आप उसको मार्केट में जाते हैं तो वो कितने का लगता है, उसका जो रियल कॉस्ट है कॉम्बो का वो कितना है, मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस समय सैमसंग का J6 का फोल्डर है और इसका जो रियल कॉस्ट है इस समय मार्केट में क्या चल रहा है मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ ये है भी किस तरीके का, किस टाइप का ये आपका फोल्डर है। ये देखिए कंप्लीट फोल्डर है, ये ग्लास और डिस्प्ले जो दोनों टच और डिस्प्ले जिसको बोलते हैं दोनों एक साथ इसका कंबाइंड है। और पहले के सैमसंग के जो सेटों में आते थे यहाँ पर आपको होम की बटन आते थे, लेकिन अब सैमसंग ने जो नया सेट जो सैमसंग का जो J6 सीरीज जो है 6 है 8 है उसमें अब होम की का जो ऑप्शन है वो हटा दिया है और यहाँ पे नेविगेशन बार का ऑप्शन दिया है। इससे क्या हुआ है कि अब इसको लगाने में बहुत आसानी है और सेंसर प्रॉपरली वर्क करता है। लेकिन मैं आपको इसका जो रियल कॉस्ट है ये अपने इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये इस समय मार्केट में सैमसंग का J6 2018 मॉडल है और इसका जो रियल कॉस्ट है वो मात्र 1400 रुपए है। ये फोल्डर अभी आज की डेट में, ये अभी आपका नवंबर का महीना चल रहा है 2018 का, इस समय इसका जो रियल कॉस्ट है ये 1400 रुपए है। आपको मैं ये और बता दूं कि ये कम भी हो सकता है, 1200, 1100, 1300 में भी मिल सकता है, ये अलग अलग मार्केट का रेट होता है। हमारे यहाँ ये इस समय 1400 रुपए का चल रहा है, इससे नीचे भी एक क्वालिटी आती है वो 1200 रुपए की भी है, पर क्वालिटी जितना पैसा आप कम लेंगे क्वालिटी आपको उतना गड़बड़ आपको मिलेगा, मतलब क्वालिटी जो है आपको यूज करने में टच का जो है वो अच्छा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और डिस्प्ले की जो लाइट है वो भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि ये जो है मैंने 1400 रुपए लाया हूँ, थोड़ी ये हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके बाद का जो प्रोडक्ट आता है वो सर्विस सेंटर में ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है, वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। आप जब भी जाएंगे आपको सर्विस सेंटर में ही मिलेगा। सर्विस सेंटर में आप जाइए, वहां पे आपको 4500 रुपए समथिंग तक, 4500 से 5000 रुपए तक आपको ये फोल्डर वहां पे लग जाएगा। लेकिन मार्केट का जो ये देखिए लोकल फोल्डर है, ये देखिए है किस टाइप का, ये भी मैं आपको बता दूं। लोकल फोल्डर का मतलब है यहाँ देखिए साइड से आपको व्हाइट जो दिख रहा है, ये देखिए साइड से सारा ये व्हाइट है। व्हाइट इसमें होने का मतलब ही यही है कि ये लोकल फोल्डर हो गया है, क्योंकि ओरिजिनल फोल्डर में व्हाइट नहीं होता है, वो पूरा ग्लास होता है। क्योंकि सैमसंग जो है इन्फिनिटी डिस्प्ले इस समय सैमसंग जे सीरीज में बना रही है और मार्केट में जो आता है वो LCD बेस, मतलब लिक्विड बेस पर आता है डिस्प्ले। तो ये मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको पहचान होना चाहिए कि ओरिजिनल कौन सा है, लोकल कौन सा है। इसकी मैं वीडियो अभी एक नेक्स्ट बार में बनाऊंगा कि ओरिजिनल कैसा दिखता है और लोकल कैसा दिखता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर, मेरे अमितेश फर्मा एंड टैक्स सॉल्यूशन पर। तो आप ये देखिए, ये आपको फोल्डर है, ये आपका किस टाइप का भी है, ये देखिए यहाँ से पूरा पत्ता दिया हुआ, इसी में टच भी बिल्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे आपको अगर आपका डैमेज होता निकालना है और उसको साइड से गोंद लगा के आपको चिपका देना है, इसका जो आता है जिलिंडा करके आता है पेस्ट, उस पेस्ट को लगा देना है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। नए यूजर्स को बता रहा हूँ, जो यूजर सीखना चाहते हैं वो उनके लिए भी है कि आराम से आप निकालिए और लगा दीजिए, क्योंकि सैमसंग के जितने भी फोल्डर है फ्रंट से ही आजकल निकल रहे हैं, अगर वो डैमेज है तो निकालिए, नहीं तो फिर आपको यूज करने का मतलब ही नहीं है इस फोल्डर की, जो अगर फोल्डर का डैमेज ही नहीं होता है तो। तो आप मेरे चैनल अमितेश फर्मा का टेलेक्स सॉल्यूशन को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। 1400 रुपए में सैमसंग J6 का फोल्डर है। थैंक यू दोस्तों।